हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज डेट है 18 जुलाई और डे है थर्सडे। आज मैं अपना ब्लॉग किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। इवनिंग के 5 बज चुके हैं और मैं डिनर की तैयारी आज अभी से ही कर रही हूँ, क्योंकि शाम को मुझे कहीं जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं डिनर बना लेती हूँ तो टेंशन भी नहीं रहेगी। थोड़ा सा अपने लिए बनाऊंगी और थोड़ा सा जहाँ मैं जा रही हूँ वहां पर लेकर जाऊंगी, क्योंकि आज मेरे देवरानी के बेटा हुआ है। तो मैं सुबह भी उसको देखने गई थी और अब आई थी, तो मैंने सोचा शाम को जब जाऊंगी तो खाना भी बनाकर ले जाऊंगी और अपने लिए भी खाना बनाकर छोड़ देंगे। तो ये रहता है कि खाना तैयार रहता है तो शाम को जब हम आएंगे तो थकन भी होती है, तो खाना बना हमारा रेडी होगा तो हमें इतनी टेंशन नहीं रहेगी। तो मैं आज इसीलिए अभी से डिनर की तैयारी कर रही हूँ। रात के डिनर के लिए मैं मटर आलू की सब्जी बना रही हूँ। उसमें टमाटर नहीं डालूंगी, मैं भंडारे वाली सब्जी बना रही हूँ, जो भंडारे में बनाते हैं। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी तो इसमें टेस्ट अच्छा आ जाता है। और मैं यहाँ पर सूखी अरबी बना रही हूँ। तो बस मैंने सोचा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ और अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ये बताना कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सब्जी बनाने की तैयारी करती हूँ और मैं आलू को लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। लोहे की कढ़ाई में बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने कढ़ाई को धोकर गैस पर चढ़ा दिया है। जब तक इसका पानी सूखेगा मैं और तैयारी भी कर लेती हूँ। और मैं आलू में ज्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, इतने से ही आलू बहुत टेस्टी बनते हैं। हम कम मसालों से भी बहुत टेस्टी खाना बना सकते हैं और गर्मियां चल रही हैं तो हल्का खाना ही ठीक रहता है। तो मैं सादा सिंपल तरीके से बना रही हूँ और आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, इस तरीके से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है तो मैं इसमें घी डाल देती हूँ। मैं आलू को देसी घी में बनाऊंगी, देसी घी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। तो मैं इसको छौंकने की तैयारी करती हूँ। इसमें हींग जीरा ऐड करती हूँ। तो मैं इसमें जीरा ऐड करती हूँ, जब जीरा अच्छे से हो जाएगा तो फिर मैं हींग डाल दूंगी। तो मैंने इसमें हींग जीरा ऐड कर दिया है। अब मेरा हींग जीरा हो चुका है तो मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है। और आप लोग भी एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। ये सब्जी सादा सिंपल तरीके से बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। जब तक मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन होते हैं तब तक के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी।